हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं मदरहुड मंत्रा और मैं हूं आपकी दोस्त सोनम। एक माँ होने के नाते और एक यंग माँ होने के नाते बहुत सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो में आज मैं आपको बीइंग अ मदर क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए वो एडवाइस करना चाहती हूँ। देखिए, नई माँ होने पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं और आप उसके चलते कई बार बहुत सारी परेशानियों में आ जाते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील करने लगते हैं और बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, जिससे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। डिलीवरी के बाद सबका ध्यान बच्चे पर चला जाता है और माँ की केयर नहीं हो पाती और माँ भी अपने पर ध्यान नहीं दे पाती और सारा ध्यान वो भी बच्चे पर ही देती है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। चलिए बताती हूँ वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। जो डिलीवरी के बाद 40 दिन का पीरियड होता है उसमें आपको अच्छी और रिच डाइट लेनी है। ऐसी डाइट लेनी है कि आपके शरीर में आई हुई कमज़ोरी उन 40 दिनों में पूरी तरह से कम हो जानी चाहिए। उसके साथ साथ आपको बहुत सारा पानी पीना है, इतना पानी पीना है कि आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो भी हो सके और डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम आपको ना हो। कई बार कई माओं को मिल्क प्रोडक्शन में यानी कि ब्रेस्ट मिल्क बनने में बहुत दिक्कत होती है। आप बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेती हैं और उसका कई बार कारण होता है स्ट्रेस लेना, उसका कई बार कारण होता है अपने आप को अंडरमाइन करना, अपने आप की बॉडी को नहीं समझना। तो आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, आप अपने आप को बिल्कुल खुश मिजाज मूड में रखिए और अच्छा खाइए। जो मैंने आपको पहले बताया, अच्छा खाइए, खूब क्वांटिटी में पानी पीजिए, वो आपके दूध बनने में भी काफ़ी मदद करेगा। तो आपको अपने लिए ध्यान रखना है, आपको पहले तो स्ट्रेस नहीं लेना है और अगर नहीं आपका ब्रेस्ट मिल्क बन पा रहा तो कोई बात नहीं, आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने डॉक्टर के साथ आप पूरी तरह से खुलकर बात कीजिए और दूसरे तरीके निकालिए कि आप अपने बच्चे को खुद का दूध पिला सकें, जो कि बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आपका जो दिल करता है आप वो कीजिए, आपका जो खाने का मन करता है आप वो खाइए। उसके साथ साथ आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड रहिए, अगर पास में हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उनसे बात कीजिए, कैसे भी करके आप उनसे कम्युनिकेशन करते रहें। अब और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, कई लोग इस बात को बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं करते कि बच्चे को 24 घंटे अपने से चिपका कर रखना या उसे गले में लगा कर रखना या अपनी गोदी में रखना, इससे कहा जाता है कि बच्चे की आदत ख़राब हो जाती है, पर मैं मानती हूँ कि ऐसा नहीं है। बच्चे को माँ की उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और माँ को भी इमोशनली वो अपने बच्चे के साथ इतनी अटैच होती है, उससे उसको स्ट्रेंथ मिलती है। अगर आप नई माँ हैं तो आप अपने बच्चे को अपने क्लोज रखिए, अपने पास रखिए, हो सके तो उसे अपने गले से लगा कर रखिए, आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी और आप बहुत अच्छा फील करेंगी। साथ ही साथ जब बच्चा सोए आप बच्चे के साथ नींद पूरी कीजिए, क्योंकि अगर आप उस वक्त नहीं सोएंगी तो बच्चे की नींद जो है वो धीरे 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 कम होती रहती है और बच्चा दिन में सोता रहता है और रात भर वो जागता है। तो आप कोशिश कीजिए तब सोइए जब बच्चा सो रहा है, आप भी अपनी नींद पूरी कर लीजिए, उससे आपको थकान नहीं होगी और मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा और नींद ना पूरी होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उस दौरान, तो वो सबसे आप बच जाएंगी। साथ ही साथ आप कोशिश कीजिए कि आप वॉक करें, फिजिकल थोड़ा सा मूवमेंट करते रहें, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और ये सब नहीं कर पा रही हैं तो आप वॉक तो ज़रूर कीजिए। 30 मिनट वॉक आपको ज़रूर करनी चाहिए, चाहे रूम के अंदर ही कर लीजिए, घर में कर लीजिए या टेरेस पे कर लीजिए, वॉक ज़रूर करें। आपका फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एक्टिव रहना या फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो स्पेशली डिलीवरी के बाद रेगुलर अपनी मसाज करवाइए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई मदर्स जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा ढिलाई बरतती हैं, वो हफ्ते में एक बार या मतलब 15-20 दिन में दो बार ऐसे मसाज कराती, नहीं, जैसे न्यूबॉर्न की मालिश हो रही है डेली ऐसे ही आपको मालिश करवानी है, क्योंकि आपका भी एक रीबर्थ है तो आपको भी अपने आप को वैसे ही पैम्पर करना है जैसे बच्चे को पैम्पर किया जा रहा है। साथ ही साथ अपनी दवाइयाँ आपको टाइम पे लेनी है, जो भी मेडिसिन आपको दी गई हैं डॉक्टर ने दी है, कैल्शियम, वाइटमिन उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आयरन की टैबलेट, जो भी आपकी जो प्रेगनेंसी के वक्त दवाइयाँ चल रही होती हैं वही आपको आफ्टर
डिलीवरी भी 6 मंथ्स तक कंज्यूम करनी होती है एज पर द डॉक्टर रिकमेंडेशन, जो भी डॉक्टर आपको बोलते हैं। तो आपको वो बिल्कुल नहीं छोड़नी है, आपको वो दवाइयाँ कंटिन्यू रखनी है। साथ ही साथ अपने पार्टनर यानी कि अपने हस्बैंड को पोस्टपार्टम के टाइम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखना है, अपने बच्चे के साथ उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रखना है। जितना आप अपने बच्चे के साथ रह पा रही हैं उतनी ही कोशिश कीजिए कि आप अपने हस्बैंड को भी इन्वॉल्व करें, बच्चे को संभालने में, बच्चे के डायपर चेंज में, या बच्चे को दूध पिलाने में, या बच्चे के कपड़े चेंज करने में। इन सब चीज़ों में हस्बैंड का इन्वॉल्वमेंट भी उतना ही हो जितना आपका है, उससे एक इमोशनल बॉन्ड बढ़ता है और आपको भी एक सपोर्ट मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप एक नई माँ बन रही हैं, ताकि आप लोनली महसूस ना करें। कई बार कई माएँ जो हैं वो सिर्फ अपने आप को एक प्रोडक्शन मशीन समझ लेती हैं, क्योंकि उनको वैसे ट्रीट कराया जाता है, उनके हस्बैंड भी उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसीलिए वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं। ये आपको नहीं करना है, खासतौर पर ये नई माओं के साथ बहुत ज़्यादा होता है और न्यूक्लियर रहने की वजह से और ज़्यादा वो ये सब फेस करती हैं, तो ऐसा ना करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो हमें लिखिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।